सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परमधाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराकरूपी तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकुजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं तर्जनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललता श्रीशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्राणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्रीसनातनप्रभो करुणामोराशि हे रूपदुर्गतजनैकदयावलोक हे भक्तियुग्मसुमते रघुनाथदास श्रीजीव मे कुरुतु मन्दमते हृदयान्तरात् तुलसीकाङ्गनं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी पूर्व प्रसंग में कुरुक्षेत्र में जैसे श्री श्याम सुंदर ब्रज गोपिकाओं से मिले उस प्रसंग का वर्णन कर रहे थे। समृद्धिमान संयोग श्री सुखदेव वाज डिस्क्राइबिंग द समृद्धिमान संयोग when Shri Krishna got meeting with Shri Vrij Gopikagan in Kurukshetra. Shri Krishna is just consolidating all Gopikagan. Shri Krishna sabko samjha rahe hain, condolence सबको समझाते हुए सबको कन्विंस करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं कि गोपियों जो भी श्री कृष्ण ने वचन कहे वे तीन प्रकार के हैं। उनमें ऊपर से देखने में वचन ऐसे लगते हैं जैसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है इसलिए उसका कहीं किसी से वियोग नहीं है, इसलिए तुम वियोग का त्याग कर दो। दूसरा इसका जो भाव है वो रिएक्शन ये प्रतिक्रिया कि गोपीनगण श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ब्रह्मोपदेश को भी स्वीकार नहीं करती हैं। जब कृष्ण उपदेश देते हैं उसको ही स्वीकार नहीं करती हैं तो अन्यों के उपदेश को भी क्यों स्वीकार करेंगे, ये अपने आप प्रकट हो रहा है। और तीसरा अर्थ परम अंतरंग अर्थ है और उस अंतरंग अर्थ में गोपीनगण निरूपण कर रही हैं। श्री कृष्ण इस तरह से वर्णन कर रहे हैं
जैसे वे कहीं प्रार्थना की मुद्रा में, जैसे नायिका के सामने नायक विनम्र होकर के प्रार्थना की मुद्रा में उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण ब्रज गोपिकागणों के प्रेम की प्रार्थना करते हुए उनके सामने उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो तीन तरह के अर्थ हो गए। यहाँ उन्हीं तीन तरह के अर्थों का निरूपण कर रहे थे, बड़े सुंदर ये श्याम सुंदर का समझाना है। पहला अर्थ है ब्रह्मपरक, दूसरा अर्थ है भक्तिपरक और तीसरा अर्थ है प्रेमपरक। प्रेम, ज्ञान, भक्ति और प्रेम, ये तीनों अर्थ उसमें प्रकट हुए। तो वहां तक हो गया था, अब आगे निर्मण कर रहे हैं कि वायु यथा घनानुकम तृणम तूलम रजांश संयोज्य क्षिप्ते भूय तथा भूतान भूतकृत। भूतकृत माने ब्रह्मा, विधाता, दैव, भाग्य। उसकी स्थिति यह है, भूतकृत माने जिसने सारी प्राणियों की रचना की, माने वो ईश्वर। एक शब्द में कहेंगे दैव या ईश्वर, द फेथ और ईश्वर इज सो पावरफुल दैट ही मेक द पर्सन एकम्प्लीट एज वेल एज सेपरेटेड। सो यहां पर कोई वर्णन कर रहे हैं कि वायु यथा घनानिकम, जैसे एक हवा चलती है, स्टॉर्म आंधी आती है और उससे रज के कण, तिनके, आकाश के बादल कभी मिलते हैं और कभी छितर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से व्यक्ति भी घनानिकम, घन माने बादल, उनकी अनेक माने सेना, माने बादलों का समूह, जैसे मिलता है और अलग हो जाता है। तो एज द आर्मी ऑफ क्लाउड्स इज टूगेदर एज वेल एज इट इज सेपरेटेड ऑल्सो इन द सेम वे, मनुष्य कभी मिलते हैं कभी अलग हो जाते हैं। तृणम तूलम रजांश च, जैसे रूई के कण, जैसे तिनके, हवा के प्रभाव से कभी मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार ईश्वर की इच्छा से जीव मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। सो आवर मीटिंग एज वेल एज बींग सेपरेटेड, सेपरेटिंग दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इट इज कंट्रोल बाई श्री कृष्ण, श्री गॉड हु इज दैट मीन्स लीला शक्ति। यहाँ पर कृष्ण के वचन है तो कृष्ण के लिए ईश्वर कौन है, बोल कृष्ण के लिए ईश्वर है लीला शक्ति। लीला शक्ति ही हमको मिलाती है और दूर कर देती है। हाँ, लीला शक्ति को अब कृष्ण अपना नाम तो ले नहीं सकते हैं, अपना नाम लेंगे तो कोई मानेगा नहीं उनकी बात, तो वे स्वयं भी प्रार्थना करने वाले हैं, इसलिए वे बड़ी चतुराई से लीला शक्ति, भाग्य, उसको मनुष्य लीला में कह देते हैं कि भाग्य और लीला शक्ति हमको मिला रही है, हमको अलग कर देती है। अब वो खुद ही है पर दो लीला में ऐसा कह देते हैं। संयोज्य क्षिप्ते भूया दे मेक अस एकम्प्लीट एज वेल एज दे सेपरेटेड अस तथा भूतान भूतकृत। इन द सेम वे द फेथ इज सो पावरफुल दैट ही ऑलवेज गेट कंप्लीट एंड सेपरेशन बाय देम, बाय द पावर ऑफ दैट वी आर गेटिंग दैट सेपरेशन। मैं भक्ति भूतानाम अमृतत्व आय कल्पते, एक बहुत बड़ी बात। अब ये तो हुआ एक अर्थ, ज्ञान का अर्थ हो गया, परंतु गोपिका भी कह रही हैं कि प्यारे ऐसा मत कहो, तू भाग्य के ऊपर ईश्वर के ऊपर बात कहकर के टाल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। प्यारे हम तू प्रयत्न कर तो सही, भाग्य जो है उसको भी कहीं पुरुषार्थ के द्वारा पलटने का आदेश तो शास्त्र देता ही है, तू क्यों दूर जाकर के छुप गया है, इसलिए तू हमारे पास में आ और हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हमसे मिल। सो यू कैन नॉट टेक दिस एक्सक्यूज दैट द फेथ इज मेकिंग अस सेपरेटेड। इफ यू ट्राई यू विल डू एफर्ट्स देन वी विल मीट अगेन, सो बट यू आर नॉट डूइंग दिस, सो वी आर जस्ट मेकिंग यू रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो यू शुड कम टू अस
ये गोपिकागढ़ कह रही हैं, अब ये भाग्य को नहीं मान रही हैं, और वे कह रही हैं नहीं हम प्रेम को ही चाहती हैं, वी वॉन्ट ऑनली लव, वी डू नॉट फेथ ऑन द ब्रह्म, यू आर नॉट ब्रह्म, यू आर आवर बिलबेट एंड यू शुड कम एंड यू शुड ट्राई टू मीट अस, ये प्रार्थना कर। अब तीसरा अर्थ प्रार्थना का अर्थ कर रही है कि गोपियों हाय, प्रेम जो है उसने हमको मिला दिया है, वो हमको अलग कर दिया है, संयोज क्षिप्ते हुई है, हाय मैं क्या करूं, मैं आपसे मिलने के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा हूं, ये प्रार्थना का जो उस भाव है वो भी कहीं प्रकट हो रहा है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूं, परंतु क्या करूं, मेरी दशा वो है कि भाग्य के आगे लीला के आगे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, परंतु गोपियों जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहा हूं और आपको पत्र लिख करके भेज रहा हूं, जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके पास में आ जाऊंगा, ये प्रार्थना मित्र ये गोपियों को धैर्य देने वाली, वो पहली दोनों बातें सब बकवास, गोपियों को उसको संतोष नहीं है। प्रेमी के द्वारा जब प्रार्थना के वचन नायिका प्रेमिका सुनती है तो उनको जैसे आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे प्रार्थना के वचन श्रवण करके श्री गोपिका गणों को अब धैर्य की प्राप्ति हुई। तो तीसरा अर्थ प्रार्थना मुद्रा, पहला अर्थ ज्ञान मुद्रा में, दूसरा अर्थ भक्ति में गोपिका गणों के असंतोष को प्रकट करने वाला है डिस्कशन में, और तीसरा अर्थ जो है वह मुख्य रूप से प्रार्थना मुद्रा में श्री कृष्ण कहीं गोपिका गणों को प्रसन्न करने के लिए अपीलिंग मूड जो है उसमें श्री गोपिका गणों से प्रार्थना कर रहे हैं, वो बड़ा कंसोलिडेटिंग है, गोपिका गणों को बड़ा उससे धैर्य मिलता है। कंसोलमेंट उसके द्वारा गोपिका गण प्राप्त करती है। अब आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं भक्ति भूता नाम अमृतत्वाय कल्पते, बोल गोपियो सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं और सब लोग कहते हैं कि कृष्णात् परम के मत तत्व हम न जाने, इसलिए तुम भी मुझसे प्रीति कर रही हो ये बहुत अच्छी बात है, मैं ब्रह्म हूँ, मानो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समझाना चाहते हैं, मैं ब्रह्म हूँ और मेरे प्रति जो भक्ति की गई वह अमृतत्वाय कल्पते, वह मोक्ष को प्रदान करने वाली है, द डिवोशन डेट इज डन मेकिंग मी सब्जेक्ट फॉर दैट ऑफ दैट डिवोशन देन ए पर्सन गेट साल्वेशन, वो अमृतत्व है, ही विल बिकेम इमॉर्टल, वो व्यक्ति अमृत हो जाएगा, इमॉर्टल हो जाएगा जो मुझसे भक्ति करेगा, हु विल डू डिवोशन टुवर्ड मी फॉर मी, ही विल गेट द साल्वेशन एंड इमॉर्टैलिटी। दृष्टिया यदासित मत्स्नेहो, और ये बड़े भाग्य की बात है, इट इज वेरी मच फॉर्चुनेट दैट यू हैव सच कीन लव टू फॉर मी दैट यू विल ऑलवेज श्योरली यू विल गेट मी, यू विल मर्ज इन टू मी, मैं ब्रह्म हूं और आप में जो मुझसे मैं भक्ति की है उस भक्ति का परिणाम ये होगा कि तुम मुझ में ही कहीं जाकर के साहित्य प्राप्त करके विराजमान होगी, जैसे एक व्यक्ति साहित्य को प्राप्त करता है इसी प्रकार एक ज्ञानी साहित्य को प्राप्त करता है, इसी प्रकार तुम भी मुझ में मोक्ष को प्राप्त होगी। सो मैं भक्ति रही भूता नाम अमृतत्वाय कल्पते, इफ द डिवोशन इज डन फॉर मी He will get salvation. Drishtiya yadasit masneho. It is very much fortunate that you got the love for me. Bhavtina madatna. And that will make you indwell to me. That will make you merge into me. And you will surely get sahajamukti. But Gopi does not रिक्वायर्ड इट, गोपी कभी भी इस बात को पसंद करेंगे नहीं कि हमको साहित्य प्राप्त हो, वे तो कहेंगे सेवा करने वाली तो कह रहे हैं कि हाय हाय कैसी इनकी बुद्धि हो गई है। श्रीमान जी जब उद्धव के द्वारा संदेश भिजवा रहे थे
उस समय भी हमको योग का उपदेश दे रहे, जब रास में पहले मिले तो उस समय आकर के भी हमको ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, और अब महाशय जी अब मिल रहे हैं, अब भी हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। अरे हम गोपी कोई योगेश्वर थोड़ी हैं जो तेरे रूप का दर्शन करके हमको संतोष होगा, हमको तो प्रेम की बात से ही सबको संतोष होगा, हमको कभी भी संतोष ब्रह्म ज्ञान से नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय योर ब्रह्म ज्ञान, वी विल गेट सेटिस्फाइड व्हेन यू विल सर्व अस, यू विल मीट एंड यू विल बेस्टो योर काइंडनेस योर लव अपॉन मी एंड यू विल एक्सेप्ट आवर प्रेम सेवा। Unless you accept it, then we will not be satisfied. So don't give this preachings of Brahmagyan and duality to us. हमको ये अद्वैत का ज्ञान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये दूसरा अर्थ हो गया। अब तीसरा अर्थ, यहाँ पर श्री कृष्ण प्रार्थना के अर्थ में कह रहे हैं कि गोपियों, अब ये प्रार्थना का अर्थ है। नायक नायिका से जैसे कहीं उसकी फ्लैटरिंग करते हुए, उसकी प्रार्थना करते हुए, खुशामद करते हुए जैसे उसको अपनी ओर अनुमुख करना चाहता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रार्थना मुद्रा में ब्रज गोपिकागणों की कृपा को प्राप्त करने के लिए विराजमान हो जाते हैं और अपने सारे ऐश्वर्य को भुलाए हुए हैं। श्री कृष्ण हैज फॉरगॉट his own opulences and he is just wanting the kripa of Gopikaga, and in this way he is very humbly praising to Brij Gopikaga. Request kar rahe hain very humble request hai ki mai bhakti ri bhutanam amrutatvay kalpate, bol gopiyo यदि कोई दूसरा व्यक्ति मुझ में भक्ति करे तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु मैं जानता हूं आप मोक्ष कभी भी नहीं चाहती है। आई नो यू नेवर रिक्वायर्ड नेवर लाइक मोक्ष, सो द डिवोशन फॉर मी इज द गिवर ऑफ साल्वेशन अनड्युअलिटी, बट यू नेवर वांट दैट अनड्युअलिटी। दृष्टिया ये बड़े भाग्य की बात है, इट इज वेरी मच फॉर्चुनेट दैट जरासित मसने हो भवतीना मदापना, कि आप जब जब भी आप में वो प्रेम है जो मैं आपके सामने खिंचा हुआ चला आता हूँ, यू हैव सच ए पावर दैट वेर एवर यू रिक्वायर मी, वेर एवर यू रिमेंबर मी, आई हैव टू कम टू यू, एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी डिमोन्स्ट्रेशन फॉर दैट यू कैन see the demo of that, just you try, just you sit in Padmasana and just try to meditate me, and as soon as you will go in the trance position, you will see that I am playing with you. So just you make this experience, do just you try for that, and as soon as Brij Gopikaga tries, श्री कृष्ण अपीयर्स बिफोर हिम। श्री राधारानी जैसे ही आसन लगा करके बैठी, आंख बंद कर रही हैं और कह रही हैं, हे श्याम सुंदर जल्दी से आप आओ। ये मेरे सामने श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने आता हूं, क्या मेरी आंख बंद करते ही आप आते हो कि नहीं आते हो? और वो श्री राधारानी उस समय ट्रांसपोजिशन में, उस समाधि की अवस्था में ये देखती हैं कि वे श्री श्याम सुंदर के साथ रास मंडल में क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं। राधारानी देखने वाली, राधारानी ही कहीं क्रीड़ा करने वाली भी होकर के विराजमान हैं। तो दृष्टिया यदासीत मस्त है, ये प्रार्थना के वचन है, इन रिक्वेस्ट ही सेइंग दिस कि आपका मुझ में वो स्नेह हुआ भवती नाम मदापना, जो मुझे आपको प्राप्त करा देगा। विश्वास नहीं हो तो करके देख लो, ये एक्सपीरियंस एक ये एक्सपेरिमेंट एक करके आप देख लो, आप जैसे ध्यान करोगी मैं आपके साथ में क्रीड़ा करते हुए आपको दिख जाऊंगा। इसलिए गोपियों ऐसा विचार मत करो, तुम
जब जब भी मेरा ध्यान करोगे मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। श्री राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो रही है, परंतु जैसे ही वे अपने नेत्रों को खोलती हैं फिर से मेरा भाव आ जाता है। सो एज सून एज शी ओपन हिज आईज शी अगेन सी दैट श्याम सुंदर इज सबमिटेड टू अस एंड ही जस्ट अपीयर्ड इन कुरुक्षेत्र एंड नाउ ही इज होल्डिंग हिज हैंड ज्वाइनिंग हिज हैंड ही इज प्रेइंग टू अस। वो विरह भाव उनमें पुनः वो उपस्थित हो गया, गोपियों में वही भाव दोबारा आ जाता है। अब वो कह रही हैं, बोल देखो ये हमको उपदेश दे रहे हैं कि तुम ध्यान करो, परंतु हम कैसे ध्यान कर सकते हैं? ध्यान करने से श्याम सुंदर का जो मिलन हो वो ट्रांस पोजिशन में जो मिलन है दैट इज नॉट ए परफेक्ट जॉइनिंग परफेक्ट मीटिंग। वी वॉन्ट टू गेट द परफेक्ट मीटिंग एंड परफेक्ट मीटिंग विल बी वाइल इट इज परफेक्टली साक्षात इट विल बी डायरेक्ट देन इट विल बी द परफेक्ट मीटिंग। इन ट्रांस एंड इन इमेजिनेशन द मीटिंग इज नॉट परफेक्ट। सो नहीं गोपी योगेश्वर इन चैतन्य चरितामृत श्री महाप्रभु इसी भाव में कह रहे हैं कि नहीं गोपी योगेश्वर तोमार पद कोमल ध्यान कर पाई संतोष तोमार वाक्य पर पाटी तार मध्य कुटनाटी शून्य गोपी बाढ़े अति रोष। बोले आर वी योगेश्वरस? वी आर नॉट योगेश्वर, वी आर नॉट योगिनी। नहीं गोपी योगेश्वर तोमार पद कमल ध्यान कर पाई संतोष। इफ वी वुड हैव योगी योगिनी देन इन ट्रांसपोजिशन इन मेडिटेशन वी कैन सी यू एंड गेट सेटिस्फैक्शन, बट नाउ ओनली इन इमेजिनेशन और इन ट्रांसपोजिशन वी कैन नॉट गेट सेटिस्फैक्शन एट ऑल। नहीं गोपी योगेश्वर तुम्हार पद कमल ध्यान कर पाए संतोष, तुम्हार चरण कमल तुम्हारे चरण कमल का ध्यान करके हमको संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तोमार वाक्य पर पाटी वाट एवर यू आर डिपेक्टिंग हेयर द आर्ग्यूमेंट्स यू आर गिविंग हेयर दोज आर नॉट एक्सेप्टेबल दोज आर्ग्यूमेंट्स। तुमने जो तर्क दिए उनको हम स्वीकार नहीं करती हैं। नहीं गोपी योगी तो तोमार वाक्य पर पाटी तान मध्य कुटनाटी उसके भीतर कहीं ना कहीं छल छपा हुआ है। यू आर डिसीविंग अस यू हैव द थॉट टू डिसीव अस यू आर इंटेंडिंग टू डिसीव अस एंड वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर दीज आर्ग्यूमेंट दैट यू मेडिटेट एंड आई विल बी प्रेजेंट इन योर मेडिटेशन। सो तुम तुम्हार बाक्य पर पाटी तार मध्य कुटनाटी कुटनाटी माने छल है उसके भीतर कहीं बीच है कहीं खाई है। शून्य गोपी बाढ़े अति रोष एंड हियरिंग दिस वी आर बीइंग वेरी मच एंग्री ऑल्सो। सो यू शुड प्रे अस रादर देन यू आर प्रीचिंग अस एंड यू आर सेइंग दैट लीड टू थिंक मी lead to start to think of Brahm. How it is possible? Can we do it in any position, in any time? It is not possible at all. So drishtiya yasi masneho bhavti naam madapna tumme wo prem hai jo mujhe hi prapt karane wala hai. To ye teen arth ho gaye. Ab aage ke shlok mein phir se teen arth keh rahe hain ki आम सर्वभूतानाम आदिरंतोंतरम बही। गोपियों मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म जैसे सब वस्तुओं का मूल प्रिलिमर कॉज है मूल कारण होकर के भी वही विराजमान है एसेंशियल कॉज भी वही है और वो भी क्रिएटर कॉज भी वही होकर के विराजमान। तो दोनों प्रकार के उपादान कारण और निमित्त कारण
ब्रह्म ही है, ब्रह्म के द्वारा ही सारा संसार बना है और ब्रह्म ही संसार को बनाने वाला है। इन द सेम वे द गॉड इज द क्रिएटर एंड ही इज द रॉ मटेरियल एज वेल एज सो मशीन मैकेनिक एंड मैटर होल थ्री थिंग्स आर ब्रह्म हिमसेल्फ इटसेल्फ। सो आई एम द मैटर, आई एम द क्ले, आई एम द कुम्हार, द मेकर ऑफ द पिक्चर एंड आई एम द पिक्चर होल थिंग आर माई सेल्फ। तो मैं ही निमित्त उपादान कारण होकर के विराजमान हूँ। अहम ही सर्वभूतानाम आदि, मैं सबका प्रलिमर होकर के भी आदि माने प्रारंभिक होकर के भी विराजमान हूँ। आई एम द प्रलिमर कॉज ऑफ एवरीथिंग। इसके बाद में अनंतरम, व्हाइल देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग दैट एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू मी, जो कुछ भी अस्तित्व है वो अस्तित्व भी मेरे कारण ही वस्तुओं का वहां पर अस्तित्व है। तो स्थिति की स्थिति में भी मैं हूं और जब विनाश हो जाएगा इसके बाद में ही मैं ही बचूंगा। एंड व्हाइल एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड दैट एट दैट टाइम आई विल ओनली रिमेन। सो आदि अंतो अंतरम वही, मैं भीतर भी हूं और बाहर भी हूं, सबके भीतर भी विद्यमान हूं और बाहर भी विद्यमान हूं। जैसे पंच महाभूत अलग से भी दिखते हैं, पृथ्वी जलवायु तेज आकाश, और हम सबके भीतर भी मिले हुए भी विराजमान हैं। तो फाइव मैटर्स आर मिक्सड इन थ्री पर्सन ऑल्सो एंड दे आर ऑल्सो अपियर सेपरेटली ऑल्सो एंड दे कैन बी सीन ऑन सेपरेटली दे कैन बी सीन। तो भौतिका नाम यथा खंभू वायु ज्योति अंगना, एज द मेटेरियल थिंग्स ऑलवेज ऑल मेटेरियल थिंग्स हैव कॉन्टेंट्स। खम माने आकाश, वायु मीन्स एयर, भू माने पृथ्वी, ज्योति मीन्स लाइट। हे अंगना ओ माई प्रिया गण, श्री कृष्ण इज जस्ट दिस इज द एड्रेस टू गोपिका गण, यू आर माई अंगना, यू आर माई हार्ट, यू आर नॉट सेपरेटेड टू मी, यू आर ऑल माई हार्ट, सो यू शुड नॉट बी वेरी मच थिंक दैट आई एम सेपरेट फ्रॉम यू, यू शुड कंसिडर दैट आई एम विद यू। ये ऐसा तुमको विचार करना चाहिए कि मैं सदा सदा तुम्हारे साथ में ही विराजमान हूँ। एवं हेतान, अब ये कहा भूत ज्ञान मार्ग में, ये ज्ञान का अर्थ हो गया। अब यदि श्री कृष्ण ये कहें कि मैं ब्रह्म होकर के सब में विद्यमान हूं, तो गोपिका गण ये स्वीकार नहीं करेंगे, वो नहीं नहीं हमको तुम्हारा ब्रह्म रूप नहीं चाहिए, हमको तो हमारे सामने उपास्य होकर के तुम बैठे रहो और हम तुम्हारी सेवा करें। वी वांट यू टू बी प्रेजेंट बिफोर अस सो दैट वी कैन लेट यू सर्व, वी कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, सो लेट अस डू दैट। सो प्यारे ब्रह्म नहीं हो तुम, ब्रह्म नहीं, हम तुमको एक प्रेमी के रूप में, प्रेमास्पद के रूप में हम तुमको चाहती हैं। ये दूसरा अर्थ हो गया गोपिका गणों ने इसे स्वीकार नहीं किया। और तीसरा अर्थ जो है वो प्रार्थना के रूप में कह रहे हैं श्री श्याम सुंदर के, गोपियों मेरी दो लीलाएं हैं। अब यहां से एक दूसरा प्रकरण शुरू हुआ, श्याम सुंदर कह रहे हैं मेरी दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक लीला है प्रकट लीला और दूसरी है अप्रकट लीला। वन इज डायरेक्ट एंड द अदर पास्ट टाइम इज दैट इज इनडायरेक्ट दैट इज नॉट सीन बाय द मटेरियल आइज। सो ऑल पर्संस कैन नॉट सी दैट लीला, दैट इज अप्रकट लीला। एंड यू एंड वी बोथ आर प्लेइंग इन बोथ ऑफ लीलास, इन प्रकट लीला दैट इज सीन बाई ऑल पर्सन्स एट द अवतार काल। एट दिस टाइम व्हाइल आई हैव टेकन इनकार्नेशन एंड आई एम डूइंग दिस लीला फॉर 125 ईयर्स, इन दैट लीला
everybody is seeing that I am separate to you. And now I am not in Vrindavan. I have gone to Dwarka and Mathura. मैं इस समय सब लोग यही देख रहे हैं कि द्वारका मथुरा में हूँ, तुम्हारे पास में नहीं हूँ। तो प्रकट लीला में वियोग है, परंतु इस समय भी अप्रकट लीला में मैं तुम्हारे साथ में क्रीड़ा कर रहा हूँ। विश्वास नहीं हो तो तुम आंख बंद करो, तुम देखोगी कि अप्रकट लीला में मैं वृंदावन में तुम्हारे सामने विराजमान हूँ। अप्रकट लीला ये तीन प्रकार की, एक अप्रकट लीला है भौम वृंदावन में अवतार काल की लीला, भौम वृंदावन की अवतार काल की लीला, उसमें श्री कृष्ण का कभी मिलन है कभी नहीं है। ऑन दिस अर्थ एट द टाइम ऑफ श्री कृष्ण लीला, कृष्ण अवतार, श्री कृष्ण रिमेन्स विद ब्रज गोपीनाथ फॉर 11.5 years. And after that, Brij Gopikakaran felt separation from Shri Krishna. So, ye ho gaya ek leela. Usme, us samay bhi, avatar kal mein bhi, Shri Gopikakaran, unka Krishna ke saath mein milan tha. To aprakat leela mein Krishna ke saath mein milan hua, avatar kal mein, bhaum leela mein, अप्रकट लीला में कृष्ण का मिलन, वो इमेजिनेशन नहीं है। श्री कृष्ण उस समय भी गोपियों के साथ में, गोपियों के भी दो स्वरूप, कृष्ण के भी दूसरा स्वरूप, और दूसरे स्वरूप में श्री कृष्ण गोपियों के साथ में मिलन प्राप्त करते हुए विराजमान। एक लीला होता। अब दूसरी लीला, वो जब अवतार काल नहीं है उस समय भी वो लीला विराजमान है, जैसे इस समय प्रेजेंट, इस समय अवतार नहीं है कृष्ण का, परंतु इस समय भी कृष्ण लीला हो रही है, रसिक जन देख रहे हैं। ये दूसरी अप्रकट लीला। तो पहली अप्रकट लीला अवतार काल में श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान है, दूसरी अप्रकट लीला यहाँ इस पृथ्वी पर इस समय भी कृष्ण की लीला हो रही है, तीसरी अप्रकट लीला श्रीमद गोलोक में वहां पर नित्य है, गोलोक में तो विराया है नहीं, और वहां पर श्री कृष्ण निरंतर विलास करते हुए विराजमान। तो अप्रकट लीला में श्री कृष्ण का विलास तीनों कालों में है, अवतार काल में भी है, अवतार काल के बाद में पृथ्वी पर अवतार काल में भी है, पृथ्वी पर अवतार काल के बाद में भी है, और गोलोक में भी है। इन तीनों लीलाओं में अप्रकट लीला श्री कृष्ण की निरंतर निरंतर विराजमान है। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं प्रार्थना मुद्रा में कि गोपियों आपके साथ में मेरा वियोग संपूर्ण रूप में तो है ही नहीं, कंप्लीटली आई एम नेवर सेपरेटेड फ्रॉम यू, आई एम नॉट सेपरेटेड फ्रॉम यू इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, एक क्षण के लिए भी मेरा वियोग नहीं है, आई एम नॉट सेपरेटेड फ्रॉम यू, बिकॉज इन अप्रकट लीला दैट इज नॉट सीन, इन इनडायरेक्ट लीला I was also playing, making pastimes with you. In Golok, I am always making pastimes with you and meeting with you. And as well as when this my Prakat Leela will be disappear, even then I will play here and I will play with you and make the pastimes. So in whole three positions, I will be with you. So, aham to he gopikakaran tum to main bhitar bahar sarvada virajman hu, aprakat leela mein tumhare saath mein hu aur bahar tumse vyog prapt kar raha hu. Jaise पंच महाभूत अलग भी हैं सबके भीतर भी, और कंक्लूजन में कह रहे हैं, अंत में निष्कर्ष में, अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण के श्लोक जो हैं ये हर सब में होती रहती, हर सब में होती रहती,
हाँ प्रकट लीला, प्रकट लीला में वियोग है, अप्रकट लीला में वियोग नहीं। परंतु अप्रकट लीला में इतना जरूर है कि वियोग का ध्यान कहीं से उनको जरूर, वे ये जरूर बातचीत करते हुए कि देखो हमारे प्यारे गए थे फिर वापस लौट करके आ गए, ऐसी 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 अनुभूति उनको जरूर है। और उसका अनुभव करते हुए ये कंसारी हैं, ये पकारी हैं, ये अघारी हैं, ये द्वारकानाथ हैं, द्वारका में भी गए और वहाँ पर इन्होंने शाल्व का वध किया, जरासंध का वध किया, तो इन लीलाओं का अनुसंधान तो है, दे हैव द रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरिंग ऑफ दोज लीला, बट दे हैव नॉट सीन एवर दोज लीला। उन लीलाओं को जो गोलोक का परकर है उसने न तो असुर वध देखा है अपनी आंखों से, न जन्म लीला देखी है, न कृष्ण के मथुरा जाना और लौट करके आना, इनकी लीला वहां पर हुई नहीं है, परंतु उनका ज्ञान उनको वहां का गोलोक का जो परकर, और वे भी कंसारी कहकर के, बकारी कहकर के, अघारी कहकर के, अघासुर के वध करने वाले हैं, कंसासुर का वध करने वाले हैं, ये कहकर के काली मर्दन है। अब काली मर्दन लीला कोई द्वारका गोलोक में थोड़ी है, परंतु वे विचार तो पृथ्वी के ऊपर असुरों का आक्रमण है, गोलोक में कोई असुरों का आक्रमण थोड़ी है, परंतु उनका स्मरण जरूर है उनको। तो अंत में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एवं हेतान भूतानि भूते स्वात्मात्मना तथा उभयम वयत परे पश्यता भातमक्षरे एवं एतान भूतानि। हे गोपियों, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म होने के कारण एतान भूतानि, ये जितने भी जड़ भूत और चेतन भूत हैं, भूत में दो चीज आएंगे, भूत माने जो लिविंग एंटिटीज और जो जड़ एंटिटीज हैं, वो दोनों वस्तु, तो भूतानि माने जड़ और चेतन दोनों के दोनों। एतानि भूतानि भूते स्वात्मात्मना ततः, मैं आत्मा बन करके सबके भीतर विद्यमान हूँ, वस्तुओं के भीतर भी विराजमान हूँ, वस्तु के भीतर भी यदि ब्रह्म है, कृष्ण है, इसलिए दिख रही है, कृष्ण नहीं होंगे तो ये दिखेगी नहीं। इसमें जो अपने आप को प्रकट करने की सामर्थ्य है वो भी कृष्ण के कारण, तो मैं जड़ वस्तुओं में भी हूँ जिससे वे कहीं उपयोग करने योग्य होते हैं। इफ श्री कृष्ण विड्रॉल हिज पावर टू मैनिफेस्टिंग एनी थिंग देन नो नो थिंग कैन बी एक्सपीरियंस्ड, नो थिंग कैन बी यूज्ड। श्री कृष्ण इज देयर, सो वी आर यूजिंग एवरीथिंग। इफ श्री कृष्ण हैज विड्रॉल हिज पावर देन वी कैन नॉट यूज एनीथिंग। ठाकुर सब में विद्यमान है इसलिए हम संसार की जितनी वस्तुएं उनका उपयोग करें, ठीक इसी तरह से हमारे भीतर भी पावर स्टेशन श्री कृष्ण ही हैं, अंतर्यामी होकर के कृष्ण ही विराजमान हैं, एंड श्री कृष्ण इज एम्पावरिंग अस टू डू एनीथिंग, विदाउट हिज मोटिवेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ, लीला नहीं देख सकते, लीला देखेंगे जब प्रेम होगा, वे अपनी लीला दिखाएंगे तो हम देखेंगे, कृपा के द्वारा देखें। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये जितने भी पंच महाभूत हैं एवं हेतानि भूतानि भूतेषु, इन प्राणियों के भीतर आत्मना ततः, मैं अपनी शक्ति से, ड्यू टू माई ओन पोटेंशियलिटी, आई एम इन विविडिंग इन इन देम, आई एम जस्ट ऑल परविंडिंग इन ऑल दोज थिंग्स, मैं सबके भीतर इन गोविंद होकर के, गुना हुआ होकर के, व्याप्त होकर के विराजमान। तो आत्मना ततः, तत मीन्स आई एम इन गोविंद, मैं उनमें गुना गुना हुआ होकर के विराजमान हूं। उभयम वयत परे, इन दिस वे आप उभयम माने मेरे दो लीलाओं का दर्शन करो, उभयम माने प्रकट लीला में हे गोपियों मैं आपसे अलग हूं, परंतु अप्रकट लीला में मैं आपके साथ में विराजमान हूं। तो उभय मय्यत परे, उभय लीलाओं में मैं गोपियों आप में ही एकमात्र आसक्त हूं, आई एम ओनली
involved in you. I am always having love only with you. Either it is Prakat Leela or either it is Aprakat Leela. In both Leela, I am surrendered to you. I am always thinking of you. I cannot live without you in any way. प्रकट लीला में भी मैं तुम्हारे तुम में आ सकती हूँ, ब्रह्म में व्याकुल हो रहा हूँ। हाँ प्रकट ब्रह्म बस ये बात। तो प्रकट लीला में तो ध्यान में साथ होंगे, ध्यान करते रहेंगे, और अप्रकट लीला में तो बिल्कुल क्रिया करेंगे। सही है, आप सही कह रहे हैं। हाँ हाँ प्रकट में तो बन तो हाँ हाँ वहाँ पर कभी कभी वियोग है, परंतु वियोग में भी ध्यान में श्री प्रिया जी का स्मरण करेंगे। स्नान भोजन जहाँ कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं, उस समय भी श्री कृष्ण को राधा रानी का निरंतर ध्यान है। तो इस प्रकार उनकी जो व्यावहारिक लीलाएं हैं उनमें भी श्री राधा रानी ही उनके दिमाग में सर्वदा बसी हुई। सो इन अनकॉन्शियस माइंड श्री राधिका इज ऑलवेज देयर। उनके अवचेतन में जो दिव्य अवचेतन है उसमें श्री राधिका सर्वदा विराजमान है, और जब भी वे कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे गैया भी चरा रहे हैं, उस समय भी ध्यान जो है वो राधिका का हृदय में निरंतर चलता रहा। तो प्रकट अप्रकट दोनों में मिलन हुआ है, बिल्कुल सही कहा। उभय मय्यथ परे, उभय माने दोनों ही लीलाओं में, मय्यथ परे मैं ही तुम्हारा परम प्यारा होकर के विराजमान हूं। इसलिए पश्यतो मैं तुम में आसक्त हूं, ऐसा ही तुम देखो। यू शुड रिमेंबर मी, यू शुड थिंक मी दैट आई एम ऑलवेज इन्वॉल्व इन यू, आई एम ऑलवेज रिमेंबरिंग यू। ऐसा तुम मुझे देखो, बिकॉज आभात अक्षरे आई एम अक्षर, मैंने आई एम ओमनी प्रेजेंट, आई एम सर्वव्यापक, मैं आई एम इमॉर्टल अक्षर, आई एम नॉट डिस्ट्रॉयड, मैं कभी भी क्षय नहीं हूँ, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता हूँ, अक्षर होकर के मैं सर्वदा सर्वदा विराजमान हूँ। तो तुम मुझको अक्षर रूप में, अनडिस्ट्रॉयड रूप में, अक्षर इम्पेरिशेबल, यस बहुत बढ़िया, अक्षर पेरिश मैंने मिटा देना, पोंछ देना, वो श्री कृष्ण जो हैं वो इम्पेरिशेबल होकर के वहाँ पर विराजमान है, वे कभी भी विनाश नहीं है, अक्षर होकर के विराजमान है, उनका क्षय नहीं। सो उभय मय परे पश्चाताभात अक्षरे, मैं तुम में अत्यंत अत्यंत आसक्त हूँ, ऐसा तुम अपनी प्रीति मेरे प्रति रखो। यू रिमेंबर मी ऑलवेज, ये कहने का तात्पर्य। अब दूसरा गोपिका अगर इस बात को स्वीकार करेंगे कि तुम ब्रह्म हो, इसलिए ब्रह्म होने के कारण हम तुम्हारा ध्यान करें, ये हमको पसंद नहीं है, हम तुमको अपने प्यारे के रूप में अपने सामने देखना चाहते हैं। वी वांट टू रिसीव यू एज आवर बिलबेट, एज आवर लवर, वी वांट टू सी यू नॉट इन द पोजिशन ऑफ ब्रह्म। ये गोपिकागणों ने जब अपनी डिसएग्रीनेस दिखाई, उस समय श्री कृष्ण अब प्रार्थना की मुद्रा में कह रहे हैं कि गोपियों, जैसे पंच महाभूत सब में विद्यमान है, सबसे अलग है, उभयम मय्यथ परे मैं दोनों लीलाओं में आपकी सेवा करते हुए विराजमान हूँ। यदि तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर रही हो तो जरा पश्चाताभात हो, जरा ध्यान लगा करके देखो, समाधि लगा करके देखो, बैठो तो सही समाधि में। और श्री गोपिकागण राधा रानी एक क्षण के लिए नेत्र बंद करती हैं तो उनको ये लगता है नहीं, हम तो श्याम चंद्र के साथ में हैं। एस एन एस शी क्लोजेस हिज आईज, शी सॉ दैट शी इज प्लेइंग विथ श्री श्याम चंद्र। So in the, इस तरह से वो श्यामचंद्र ने कहा तुम मुझे देखो, और गोपिकागणों ने उनको उसी रूप में
देखा, पश्चाताभात मक्षरे, और उनकी लीला अक्षर होकर के विराजमान है। अक्षर मीन्स इम्पेरिशेबल होकर के, अनएवॉइडेबल, इम्पेरिशेबल, इमॉर्टल होकर के वो लीला सर्वदा सर्वदा विराजमान है। वो पेरिशेबल नहीं, कभी दूर नहीं। श्री शुकदेव जी कह रहे हैं ऐसे जब गोपिकागणों ने कहा तो अध्यात्म शिक्षा गोप्य एवं कृष्ण ने शिक्षिता, श्री कृष्ण ने अध्यात्म का बहाना बना करके, प्रिटेंडिंग द अध्यात्म, श्री कृष्ण हैज प्रीच्ड देम बट गोपिकागण डिड नॉट एक्सेप्टेड इट, दे वांट द डायरेक्ट प्रेयर, डायरेक्ट लव, दे वांट टू हियर द डायरेक्ट वर्जन दैट इज डिप्ड इन लव, दे वांट टू हियर दैट, दे डू नॉट वांट टू थिंक हियर दिस थिंग, दिस टाइप ऑफ प्रीचिंग दैट इज प्रटेंडेड इन द ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से घिरे हुए कवर जो है उस ज्ञान को वे सुनना नहीं चाहती है। दे डू नॉट वॉन्ट टू हियर द ब्रह्म ज्ञान, द लव दैट इज कंसील्ड बाई ब्रह्म ज्ञान, दे डू नॉट एक्सेप्ट इट। तो अध्यात्म शिक्षा, श्री कृष्ण ने अध्यात्म माने आत्मा को विषय बना करके गोपियों को शिक्षा प्रदान की। दूसरा अर्थ क्या हो गया अध्यात्म का? अध्यात्म का तात्पर्य है अप्रकट लीला में कृष्ण का जो मिलन है उसकी शिक्षा देते हुए। अधि आत्म, आत्म माने नित्य विहार रूपी जो आत्मा है, द नित्य विहार इज द सोल ऑफ होल पास्ट टाइम्स ऑफ श्री कृष्ण एंड ओरिएंटेड टू इट। श्री कृष्ण हैज एक्सप्लेन दिस प्रीचिंग्स। सो श्री कृष्ण के ये जो उपदेश हैं वो अध्यात्म विद्या पर केंद्रित होकर के, माने अप्रकट लीला में गोपिकागण कृष्ण से मिल रही हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस भावना के ऊपर केंद्रित होकर के श्री गोपिकागणों का ये मिलन था। और उसको श्री कृष्ण ने जब गोपिकागणों को सिखाया तो गोपिकागण अपूर्ण रूप से आनंदित हुई। और तदनुस्मरण, आंख बंद करके जब अनुस्मरण किया, ध्यान किया, तो गोपिकागणों को ये दिखा कि हाँ हम कृष्ण के साथ में विहार कर रही है। तद अनुस्मरण माने उसका उन्होंने पुनः स्मरण किया, और उस स्मरण करने से ध्वस्त जीव कोशाह, इनका विरह भाव समाप्त हो गया। अब ध्वस्त जीव कोश की कई तरह से व्याख्या की गई। ध्वस्त जीव कोश का तात्पर्य है कि इन गोपिकागणों ने अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ दिया ना, यह अर्थ ग्रहण नहीं किया जाए। एक अर्थ है कि जैसे एक योगी समाधि में अपनी उपाधि को छोड़ देता है, ही गेट रिलीफ फ्रॉम हिज सेटल बॉडी, इस तरह से ध्वस्त जीव कोश माने सेटल बॉडी, सेटल बॉडी से वे मुक्त हो गए। ये बात यहां पर लगी नहीं सकती है क्योंकि गोपियों की स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, प्राकृत शरीर उपाधि है ही नहीं, उनकी उपाधि, उनकी डेजिग्नेशन डेट इन सेपरेट टू श्री गोपीगण। गोपीगण डज नॉट हैव देह देही विभाग, उपाधि एंड उपाधेय विभाग, दैट इज डेजिग्नेशन एंड इट इज द सोल। सो सोल एंड डेजिग्नेशन, दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इज नॉट कंसिडर्ड इन गोपिकागण बिकॉज दे आर सच्चिदानंद स्वरूप। तो ध्वस्त जीव कोश का ऊपरी दृष्टि से जो अर्थ है, ज्ञान की दृष्टि से यह अर्थ होगा कि जैसे ज्ञानी जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर है उसको छोड़कर के ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ऐसे गोपिकागणों ने प्राप्त किया। यस, जीव शरीर विज्ञानमय कोश,
Yes, that is Vigyan Mein Kosh. So, Jeev is living his Anna Mein Kosh and Prana Mein Kosh and Mano Mein Kosh. So, these three koshas are, three cells are removed. Anna Mein Kosh and Prana Mein Kosh is the sthul body. They are, he is a yogi, is forgetting that Anna Mein and Prana Mein Kosh. In Mano Mein Kosh, he is also forgetting the Swapna, the dream position. In dream position, the man is very much activated. Mano full of action, activation. So he is, Sri Brijagopatayana also living that Mano Mein Kosh. But in Vigyan Mein Kosh, a yogi feels himself that I am beyond the intellect even. So he is living the intellect even. Wo buddhi ko bhi chhod deta hai. Aur buddhi ko jab chhod deta hai, even then there is one thing, and that is I am prakriti. I am three guna. That is, karan shari is also there. As soon as he will leave the karan shari, then he will go to the Ananda Mein Kosh. So, Ananda Mein, Prana Mein, ye dono sthul shari se sambandhit hai. Sthul shari. Mano Mein Kosh, ye sukshma shari se sambandhit hai. Vigyan Mein Kosh, karan shari se sambandhit hai. और जब तीनों कोष समाप्त हो जाएंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों दूर हो जाएंगे, तब जाकर के उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अन्न में प्राण में ये स्थूल शरीर, इनको विश्व और वैश्वानर कहेंगे। फिर मनोमय जो कोष है उसकी स्थिति होगी तैयस और हेंडगर। इंडिविजुअल में इट इज तैयस एंड इन कलेक्शन कलेक्टिव वे इट विल बी कॉल्ड हेंडगर। हाँ हेंडगर ब्रह्मा हाँ मातम। एंड जो विज्ञान में कोश है उस जो विज्ञान में कोश है उस विज्ञान में कोश में जीव और ईश्वर। But even still, there is a karan shari. So, vigyan mein kosh karan shari se sambandhit hua, mano mein kosh sukshma shari se sambandhit hua, aur anna mein aur prana mein, ye sthul shari se sambandhit hua. In mein sab mein do do hain, individual and collective, individual and collective, individual and collective. In sthul shari, individual is vishwa. And collective is वैश्वानर विश्व वैश्वानर। जो मनोमय कोश है उस मनोमय कोश में सेटल बॉडी में भी दो होंगे। सेटल बॉडी में एक होगा तैयस और दूसरा होगा हेंडगर। इंडिविजुअल को कहेंगे तैयस माने आवर सेटल बॉडी डेट इज कॉल्ड तैयस एंड द कलेक्टिव सेटल बॉडी डेट विल बी कॉल्ड हेंडगर। And Vigyan Mein Kosh, in Vigyan Mein Kosh, it is Jeev and Ishwar. Brahma, like, Brahma, Brahma, Brahma is just in the Mano Mein Kosh, Sukshma Shakti. Brahma? Brahma, 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 the Chaturmukh Brahma, four-headed. No, Vishnu. Achha, Brahma, Brahma is not, no, he is Turi, that is that will be considered in Turi. Leaving these three stages, the fourth one stage is Brahma. And in third stage, it is Prajna and Ishwar. The singular thing is Prajna, Jeev, SB persons. And the collective soul is Ishwar. So Vishwa Vaishwanar, तैयस हृणगर्भ प्राज्ञ ईश्वर
एंड द फोर्थ पोजिशन विल बी दैट विल बी तुरी. तुरी मीन्स फोर्थ. दैट विल बी तुरी. दैट विल बी तुरी. बाबू जी को बातचीत जाते हाँ. मन 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 तक रह गया मनो में कोश और बुद्धि में आकर के फिर अभी महातत्व पूरी तरह से छूटा नहीं है. महातत्व अहंकार ये बना रहेगा और वो जीव और प्राग्ञ रहेंगे. नहीं तो जब भी जाएगी, जब भी एक शरीर से दूसरे छोर में शरीर में जाएंगे उस समय तो मन बुद्धि चित्त को लेकर के आत्मा जाएगी. उस समय आत्मा आत्मा स्तन वर्तित है. पहले मन किसी में घुसता है और फिर आत्मा उसके पीछे पीछे आती है. आत्मा ने अभी मन का मन से अपनी जो बंधन है उसको खोला नहीं. प्रेतोनी में उसको स्थूल शरीर नहीं है बस केवल ये आते हैं. पर तो नहीं स्थूल शरीर भले नहीं है पर सूक्ष्म शरीर है. हाँ सूक्ष्म शरीर है. अभी मुक्त और कारण शरीर तीनों शरीर जब मुक्त होंगे ना स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों मुक्त होंगे तो मोक्ष होगा. तो प्रेत शरीर में स्थूल शरीर उसका नहीं है परंतु मनो में शरीर उसका विद्यमान है. हाँ आत्मा तो ही है. आत्मा के कारण ही बनेगा वो शरीर. हाँ आत्मा के कारण ही वो प्रेत कहलाए. हाँ आत्मा का प्रेत. आत्मा नहीं है तो फिर भोगेगा कौन? वो जड़ थोड़ी भोगेगा. वायु ग्रह बस उसका स्थूल शरीर नहीं है. स्थूल शरीर उसको प्राप्त कराने के लिए ही श्राद्ध इत्यादि किए जाते हैं. हाँ आत्मा साथ में है. जब तक भोग है तो भोग तो करेगी आत्मा. आत्मा को कोई साधन चाहिए उसके लिए वो शरीर उसके पास में है. बिना शरीर के आत्मा भोग कैसे करेगी? परंतु आत्मा जब ये मान लेगी कि नहीं शरीर है ही हुई नहीं शरीर अलग है मैं अलग हूँ तो वो मोक्ष. तो एक शरीर हट गया परंतु अभी मैं प्रकृति हूँ ये भाव बना हुआ है तो मोक्ष नहीं हुआ. मैं मन हूँ ये भाव भी बना हुआ है तो मोक्ष नहीं हुआ. परंतु जब न मैं शरीर हूँ न मैं मन हूँ और न मैं तीन गुण हूँ सत्वर स्तंभ तीन गुण भी नहीं हूँ तब जाकर के उसको मोक्ष की प्राप्ति. हाँ वायु तत्व प्रधान बस नहीं उसमें स्थूल शरीर नहीं. हाँ वायु तत्व का वायु का शरीर है उसका परंतु उसमें अन्य जो शरीर हैं उन शरीरों का वे शरीर क्रियाशील नहीं. पंचीकृत वायु तो है प्रेत में. पंचीकृत वायु तो है कुछ तो कुछ तो है ही है इसलिए वो सुख दुख भी भोगता है. चाहता भी है कि मुझे मिले किसी को तकलीफ भी देता है. तो इसके इसका मतलब उसमें मन भी है बुद्धि भी है सब कुछ है. हाँ जल तत्व भी है तो पंचीकृत तो है परंतु अभी उनसे मुक्त नहीं है. आत्मा तो है ही उसके साथ आत्मा जुड़ी हुई आत्मा सब में जुड़ी हुई. हाँ जल तत्व कहीं जल तत्व प्रधान होगा कहीं वायु तत्व. तो ध्वस्त जीव कोशा इसकी बात चल रही थी. ध्वस्त जीव कोश का मतलब हुआ सामान्य अर्थ हुआ कि जिसके द्वारा कारण शरीर नष्ट हो गया है ऐसी गुण कारण हो गई. कारण शरीर कॉज कॉज बॉडी सेटल बॉडी एज वेल एज द मेटेरियल बॉडी बोथ दे कैट रेट ऑफ बोथ थ्री बॉडीज बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. ज्ञानी विल से दैट गोपी गेट साल्वेशन बट इट सो ध्वस्त जीव कोश ये अर्थ नहीं लिया जा सकता. ध्वस्त जीव कोश का दूसरा अर्थ है कि ज्ञान की अग्नि से उन्होंने जीव कोश माने कारण शरीर को भी जला दिया ये अर्थ भी नहीं लिया जाएगा. तो जीव कोश का मतलब है अहंकार या कारण. कारण शरीर भी समाप्त हो गया तो गोपियों में कारण शरीर भी नहीं है. अब ध्वस्त जीव कोश का अर्थ यहाँ पर जो एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल अर्थ होगा वो ये कि जीव माने गोपियों के प्राण उनको
उसके सुख को जिसने ढांक लिया था वो विरह भाव समाप्त हो गया। वस्तु जीव कोश का मतलब हुआ कि विरह का भाव, द फीलिंग ऑफ सेपरेशन इज रिमूव्ड, ये इसका अर्थ होगा। जीव माने प्राण, गोपियों का लाइफ, और उसको कोश माने जो ढांके हुए था, तो गोपियों के प्राणों को ढांकने वाली कौन सी वस्तु थी? विरह। विरह में उनके प्राण आवृत होने से देयर लाइफ वर कंसील्ड बट कवर्ड बाय द इमोशन ऑफ सेपरेशन एंड दैट्स इमोशन इज रिमूव्ड। तो दस्त जीव कोश, ये अर्थ यहां पर एप्लीकेबल है। दोनों अर्थ एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनको छोड़ा ये अर्थ एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि एप्लीकेबल है दस्त जीव कोश। इसी तरह से तदनुस्मरण, तदनुस्मरण का अर्थ है गोपिकागण ये जान करके बड़ी संतुष्ट हुई कि जैसे मैं प्यारे के वियोग में व्याकुल हूं, ऐसे वो भी मेरे वियोग में व्याकुल है। एज आई एम सफरिंग विद द सेपरेशन ऑफ श्री कृष्ण, इन द सेम वे श्री कृष्ण इज ऑल्सो सफरिंग एंड ही इज ऑल्सो फीलिंग द सेपरेशन ऑफ माइंड। सो इन दिस वे बोथ ऑफ देम इज जस्ट थिंकिंग इट। तो ध्वस्त जीव कुछ उनका जो विरह भाव है वो विरह भाव दोनों का दूर हो रहा है। ध्वस्त जीव कुछ अनुस्मरण, अनुस्मरण का मतलब है कि उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर लिया कि कृष्ण मेरे साथ में ही हैं। जैसे एज आई एम एंशियस एंड कीन टू गेट रिलेशनशिप, गेट द मीटिंग विद श्री कृष्ण, इन द सेम वे श्री कृष्ण इज ऑल्सो एंशियस एंड शी इज वेरी मच कीन टू मीट विद मी। सो इन दिस वे अनुस्मरण, एक अनुस्मरण का यह अर्थ हुआ कि कृष्ण मेरा ध्यान कर रहे हैं। अनुस्मरण का दूसरा अर्थ ये कि श्री कृष्ण जैसे मैं हमेशा कृष्ण का ध्यान करती हूं, इसी प्रकार कृष्ण भी मेरा निरंतर निरंतर ध्यान कर रहे हैं। ये भाव उनको बड़ा धैर्य देने वाला हुआ। तो अनुस्मरण माने कृष्ण मेरे साथ में है एक भाव, कृष्ण मेरे वियोग में व्याकुल हैं ये दूसरा भाव, अप्रकट लीला में हम कृष्ण के साथ में क्रीड़ा कर रही हैं, ये पहले आ गया था कृष्ण मेरे साथ में हैं ये भाव, और कृष्ण मेरा स्मरण करते हैं ये दोनों भाव उनको उन्होंने स्मरण हुआ। और उसके कारण ध्वस्त जीव कोश जिस विरह ने उनको कंसील कर रखा था, ढांक रखा था, वो विरह दूर हो गया ध्वस्त जीव कोश। बहुत कठिन श्लोक है ये और बड़ा कंफ्यूजिंग श्लोक है। इसका ज्ञानी जन जो अर्थ निकालते हैं वो केवल ये अर्थ निकालते हैं कि जीव जो है वो गोपी है, एक जीव है और जीव ब्रह्म में जाकर के मिल गए। परंतु ये अर्थ रसकों को कभी स्वीकार हो नहीं सकता है क्योंकि अनेक विरोधाभास उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर रस में ध्वस्त जीव कोश का मतलब है अनुस्मरण माने अप्रकट लीला में कृष्ण को अपने साथ में क्रीड़ा करते हुए देख करके गोपियों का विरह भाव दूर हुआ। अब क्रीड़ा करके देख करके गोपियों ने ये अनुभव किया कि जैसे हम कृष्ण को स्मरण करती हैं ऐसे कृष्ण भी हमारा स्मरण करते हैं, ये दूसरा भाव हुआ। और तीसरा भाव ये हुआ कि जैसे हम इस समय अब कृष्ण को प्राप्त करके विराजमान हैं, इसलिए श्री कृष्ण हमसे अलग नहीं हैं, कृष्ण हमारे साथ में सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं, और हम जिस विरह का अनुभव कर रही थी वो एक भ्रम था और वो भ्रम कहीं दूर हो गया है। सो वी आर इन कंफ्यूजन दैट श्री कृष्ण इज सर्विटेड टू अस, बट नाउ दैट कंफ्यूजन इज रिमूव्ड एज वी हैव सीन श्री कृष्ण डायरेक्टली एज वी आर having the pastimes and playing
विद श्री कृष्ण इन अप्रकट लीला. सो श्री कृष्ण इज विद अस, श्री कृष्ण इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग अस, श्री कृष्ण इज वेरी मच एंशियस टू मीट अस, गेटिंग आवर मीटिंग, ही इज वेरी मच कीन फॉर दैट. सो रिमेम्बरिंग दीज थ्री थिंग्स, श्री गोपीनाथ बिकेम वेरी मच हैप्पी. बट ऑन द नेक्स्ट मोमेंट दे अगेन थॉट दैट ओ एक्चुअली व्हाट एवर वी हैव सीन दैट वी आर प्लेइंग विद श्री कृष्ण इन अप्रकट लीला, दैट वॉज नॉट ट्रू. वी एक्चुअली फीलिंग दैट वी आर इन द सेपरेशन ऑफ श्री कृष्ण. सो अगेन द विरहभाव एमिट्स देयर, एंड एज सून एज द विरहभाव एमिट्स दे अगेन आर डिप्ड इन द ओशन ऑफ सेपरेशन. सो पुनः विरह समुद्र में वे डूब जाते. तो तन्म स्मरण कहा ध्रस्त जीव कोशा एंड तम अध्यगन, एंड इन दिस वे श्री गोपीनाथ विज आर ऑलवेज रिमेम्बरिंग तम दैट हाउ ही हैव स्पेंड सो मेनी पास्ट टाइम्स प्रीवियसली विद श्री कृष्ण. सो दे आर जस्ट रिमेम्बरिंग दोज पास्ट टाइम्स and being unconscious of the present position. And Shri Krishna then gave him dhairya, consolidation, and in this way they thought that we are Shri Krishna, our sthiti. And at the last they Gopikaran told, they expressed their views in this way. Aushchate Shri Radharani ne ahu mane kaha, te mane Radharani. Un Radharani ne kaha ki nalal naav padarvindam, o nalal naav, o kamal lochan, hum tere charanarvind ko chahati hain. Apne hriday mein dhyan karne se kaam nahi chalega. Hum tere charanarvind ko apne vrindavan mein le ja karke वहां अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करना चाहती हैं. इफ यू आर सेइंग दैट गोपीकागर ओ गोपीस जस्ट यू रिमेंबर मी एंड बाय दैट रिमेंबरिंग आई विल अपीयर बिफोर यू, बट दैट अपीयरेंस विल नॉट बी परमानेंट एंड इट विल नॉट बी फुल फ्लैश हैप्पी गिविंग, इट विल नॉट बी इन दैट वे. Unless you are accompanied with us and you go to Vrindavan. So let Shri Krishna ride on this chariot. And in that way, Shri Jagannath Prabhu is riding on the chariot and Shri Gopikagan is just pulling that chariot, and it is being stretched to Jagannath Mandir, to Shardavali, Gundicha Mandir. Gundicha Mandir is Vrindavan. So, Tomar ye anya besh, anya sangha, anya desh, gopi jane kabhu nahi bhai. Tomar bakhi par paati, tar mate, kutnati, shun ki gopi hove upay. So, you are deceiving us. We cannot leave you. We will be fully satisfied unless you are with us in our creeper houses in Vrindavan. Unless you are not with us, we are not very much happy. We will not be very much happy. So in this way, Shri Brij Gopikagar brings Shri Krishna with him in Vrindavan. And Rath Yatra Utsav is just that symbolic Utsav, while Shri Gopikagan is getting the Samvardhiman Sayog with gopis. So after a long separation and a long interval, when Shri Radha and Krishna both met, and Shri Radharani brings him to Vrindavan, make him go back to Vrindavan, and
इन वृंदावन इन हिज पुंज श्री राधा इज सर्विंग श्री कृष्ण देन शी इज गेटिंग द समृद्धिमान संयोग द फुल सेटिस्फेक्शन इन वृंदावन. सो ललना रथले चढ़ी जू लला अधर सुधा रस प्याय पिया को करके दूर पला. इन दिस वे राइडिंग श्री मेकिंग श्री कृष्ण राइडिंग ऑन द चैरियट श्री राधारानी ब्रिंग्स हिम टू श्री वृंदावन एंड देयर देयर मीटिंग इज फुल फ्लैश एंड कंप्लीटेड. अनलेस इन कुरुक्षेत्र देयर कैन नॉट बी द फुल फ्लैश कंप्लीट appealing meeting cannot be possible without the earth of Shri Vrindavan. So Anyer Hriday Mon, Mor Mon Vrindavan, Mone Bone Ek Kari Mane, Taha Tumar Charan Dvay, Karaha Yadi Uday, Tabhi Tumar Purna Kripa Mane. In Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Mahaprabhu is just reciting this poem in the bhav of, in the mood of Shri Radharan. As Shri Chaitanya Mahaprabhu is himself Radharan. So Radharan is just singing this, ki pyare anyer hriday mon. The other persons think that the man mind is hriday, but not more man Vrindavan, more mind, more heart. My heart is Vrindavan. Other persons think that Vrindavan is a forest and man is a limb of a body. But I think that Vrindavan and man both are the same. And their Hriday Man, other persons think man as their heart, but more man Vrindavan. But my mind is, my heart is Vrindavan itself. More man Vrindavan. Mone bone ek kori mane. I have no difference between man and man. Taha tomar padatvay. If I can see your lotus feet in my creeper house, main apne nukunj man bandar mein, yadi aapke charno ka darshan karun, tabe tomar purna kripa mane. Then I will feel that you are fully kind to me. Otherwise, here you are Shri Krishna. I am the same Radha, Radhika. Here also there is the loneliness and here is also the bun. Forest is also here. The moon is also rising here and it is spreading its moonlight all over on the ground. Here Sakhis are also present. And if you say, then the instrument are also possible. They can be used. Because so many, Basudevji is going to make a yajna, and so many instrument players are, and very great artists are also present here. And we can use them, we can order them, and they can play so many instruments. But a person requests that let the ras be performed here, that ras cannot be performed without Vrindavan. Ras is only possible in Vrindavan. Vrindavan ke bahar kahin ras ho hi nahi sakta hai. इसलिए प्यारे को जल्दी से पधरा करके वृंदावन ले जाओ. इस प्रकार से श्री गोपिकागण पधरा करके श्री वृंदावन में श्याम सुंदर को लेकर के आए और मनसी उद्यास सदानंद जी कह रही हैं कि आपके जो चरण हैं वे हमारे मन में सदा उदित होते हुए विराजमान हों. बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय. हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय.
राधा रमण हरे।